नमस्कार मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, और उनसे भी कई हजार गुना ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तुला राशि वालों, आपकी राशि वालों के कुंडली में अचानक हुआ दो बहुत बड़ा उलटफेर, जिससे आपको मिलेगी इतिहास की सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भूलकर भी आज की इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, और भूलकर भी इस वीडियो को अकेले में मत देखना, क्योंकि अब पूरी दुनिया में आपके ही डंके बजने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर पूरे 2 करोड़ रुपए का चेक मिलने वाला है। जी हाँ, पूरे 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगने वाली है, इसलिए वह बहुत बड़ा भाग्यशाली होगा जो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक दिखेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो व्यक्ति पहले देखेगा वही पाएगा, बाकी सब पछताते रह जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप अपनी सभी इंपॉर्टेंट कामों को छोड़कर सबसे पहले आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लो, क्योंकि आज आप मालामाल होने वाले हैं। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी कुंडली में बन चुका है बहुत बड़ा धन योग। जी हां, और यह धन योग आपको दिलाएगा खूब सारा रुपया पैसा, खूब सारा धन दौलत। जी हां, इसीलिए हमने कहा है कि अब आप पैसों में पूरी तरह से डूबने वाले हैं। जी हां, आज की यह वीडियो सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के जो भी सच्चे भक्त हैं, वहीं इस वीडियो को लाइक करें। और जो भक्त माता रानी को सच्चे दिल से मानते हैं, माता रानी का आगमन अपने घर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में 3 बार जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। उनके घर धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी का आगमन जरूर होगा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संकेत मिल गया है कि अब आप लोग करोड़पति बनने वाले हैं। जी हां, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर पूरे 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगने वाली है। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटे के भीतर बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। जी हां, अचानक इतना सारा रुपया पैसा मिलेगा, अचानक इतनी बड़ी लॉटरी लगेगी, तो इसे चमत्कार ना कहे तो और क्या कहें। दोस्तों, अगले 24 घंटे के भीतर आपके खाते में पूरे 2 करोड़ रुपया आने वाला है। फुल गारंटी के साथ कहते हैं, कृपया मजाक समझने की गलती ना करें, वरना आप पूरा जीवन भर पछताओगे। जी हां, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर एक बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल सुबह सूर्य उदय होते ही आपके जीवन में लाभ होना शुरू हो जाएगा। जी हां, और अगले 24 घंटे तक एक से बढ़कर एक खुशखबरी, एक से बढ़कर एक लाभ, एक से बढ़कर एक परिवर्तन आपके जीवन में होने लगेगा। जी हां, क्योंकि आपकी किस्मत ने रफ्तार पकड़ ली है, अब शेर और चीते से भी तेज रफ्तार दौड़ेगी आपकी किस्मत। जी हां, देखने वाले सब लोग कहेंगे, अरे वाह क्या नसीब है, काश ऐसी नसीब हम सब की होती। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सब आपके अच्छे कर्मों का नतीजा है, आपके अच्छे कर्मों का फल है जो कि भगवान आपको दे रहे हैं। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर साक्षात एक बहुत बड़े देवता आपके घर पर आने वाले हैं। जी हां, अगले 24 घंटे के भीतर साक्षात एक बहुत बड़े देवता का दर्शन आपको होने वाला है। और यदि उसे देवता का दर्शन आपको हो गया, या फिर वह देवता आपके घर प्रवेश कर गए, तो दोस्तों आपके जन्मों जन्मांतर की गरीबी तो दूर होगी ही होगी, साथ ही साथ आप बहुत बड़ा धनवान इंसान बन जाओगे। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे तक कोई भी मौका आप अपने हाथ से जाने मत देना। कोई भी संकेत आपको मिले तो आप समझ जाना, यह संकेत उसी देवता का है जो देवता आपकी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, जो देवता आपकी बिगड़ी किस्मत को संवारना चाहते हैं। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपकी बिगड़ी किस्मत संवरने वाली है। जी हां, बता दे कि धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अगले 24 घंटे के भीतर लाखों करोड़ों में खेलोगे। जी हां, आपके आंखों के सामने यह बड़ी घटना होगी, और उसे घटना को देखकर आप अपनी दोनों आंखों से आंसू रोक नहीं पाओगे, यह सब देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां, क्योंकि माता महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है। अगले 24 घंटे के भीतर यह बड़ी घटना आपके बंद किस्मत के ताले को खोलकर रख देगा। जी हां, अचानक होगा बहुत बड़ा उलट,
फिर जिससे मिलेगी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां, आखिर आपकी मेहनत और आपकी सब्र का फल भगवान ने आपको दे ही दिया। दोस्तों, आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करोगे। बहुत बड़ी जबरदस्त खुशखबरी है। पूरा परिवार खुशी से नाचेगा और नाच नाच कर दोनों पांव दुखने लगेंगे, क्योंकि अब आपके सभी प्रकार के दुख खत्म होने वाले हैं। चाहे कैसी भी दुख हो, रुपए पैसे का दुख हो, संतान का दुख हो, करियर का बिजनेस व्यापार या फिर कोई अन्य परिवार में कलह क्लेश, सभी प्रकार के दुख अब आपके जीवन काल से दूर होने वाले हैं। जी हां, बस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना, आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा, आपका पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। जी हां, क्योंकि धन की देवी माता महालक्ष्मी जी आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, अगर इंसान को खुद पर भरोसा हो तो वह काम इंसान कर सकता है, और जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता है वह काम इंसान लाख प्रयास कर ले फिर भी नहीं होता है, और अगर किसी तरह हो भी जाता है तो उसमें सफलता नहीं मिलती है, लाभ नहीं होता है, क्योंकि लाभ हमें उन्हीं कामों से मिलता है जिन कामों को हम दिल से करते हैं, और दिल से किया गया कार्य कभी असफल नहीं होता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिन कामों को आप कर रहे हैं उन कामों को आप दिल से करिए। दोस्तों, यह जीवन है और इस जीवन में दुख भी आएंगे और सुख भी आएंगे। जिस प्रकार रात होने के बाद दिन भी आती है और दिन होने के बाद रात भी होता है, इस प्रकार हमारा जीवन है, और इस जीवन को दो भागों में बांटा गया है। जिनके जीवन में अभी वर्तमान समय में दुख चल रहा है तो आगे आने वाली समाधि में उन्हें अवश्य सुख मिलेगा। बस धैर्य रखो और जो कर्तव्य है वह कर्तव्य करते रहो। हमारा जीवन सर्कस के झूले की तरह होते हैं। आप देखे होंगे, सर्कस का झूला जितना पीछे जाता है वह उतना आगे भी जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जितना दुख हो रहा है आगे हमें उतना ही सुख मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, आप सुख दुख की चिंता ना करें, क्योंकि सुख दुख हमारे जीवन में नहीं बल्कि ऊपर वाले ईश्वर के हाथ में होता है। ईश्वर हमारे जीवन के कब कौन से रास्ते बंद कर दे और कब कौन से रास्ते खोल दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि ईश्वर कर्मों के आधार पर फैसला लेते हैं। जिनके कर्म अच्छा होता है उनका भाग्य कभी खराब हो ही नहीं सकता। मैं इस बात को फुल गारंटी के साथ लिख कर देता हूं, क्योंकि कहते हैं ना, जिनके कर्म अच्छे हो किस्मत हमेशा उनकी अच्छी होती है। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपको कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, ना मंदिर और ना कहीं भगवान के पास। अगर आपने रोज एक आदमी को हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। खाने का अर्थ है कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख के समय में कोई भी भगवान को याद नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो जीवन में दुख हो ही क्यों। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो सुख दुख की चिंता ना करें। जी हां, आप हमेशा सुख दुख के बारे में सोच सोच कर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि यह बदलना हमारी बस की बात नहीं है। ऊपर वाला जो चाहेंगे वही होगा, और ऊपर वाला जो भी करते हैं सब अच्छे के लिए ही करते हैं। किस समय में आपको क्या चीज देना है, किस समय में क्या चीज की आपको जरूरत है, यह सब ईश्वर अच्छी तरह से जानते हैं, और उसे समय वह चीज आपको जरूर मिलेगा। बस आप धैर्य रखिए। जिस प्रकार आप छोटे बच्चों को शिक्षा देते हैं, छोटे बच्चों को समय समय पर सब कुछ देते हैं, खाना भोजन पानी और भी कोई अन्य चीज, वैसे ही ईश्वर हम लोगों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि हम लोग भी ईश्वर के नजरों में बच्चे ही हैं। अगर बात समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें, जी गुरुजी, आप बिल्कुल सही बोले दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो ये पांच बातें अपने जीवन में जरूर ध्यान रखें। जी हां, इन पांच बातों को आप अपने जीवन में जरूर फॉलो करें, क्योंकि यह पांच बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह पांच गुण यदि आपके अंदर है तो आप कोई मामूली इंसान नहीं है, आप बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, आप बहुत गुणवान और बहुत धन्यवाद इंसान है। नंबर 1, बीते हुए वक्त को भूलें।
जी हाँ, जो बीत गया उसे भुला दे और जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहे। नंबर दूसरा, वर्तमान में जिए। नंबर तीसरा, भविष्य की चिंता ना करें कि भविष्य में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर यह नहीं हुआ तो क्या होगा, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। भविष्य की चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि भविष्य में जो होता है वह हमारे हाथ में नहीं है, वह सब भगवान के हाथ में होता है। नंबर चौथ, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें। जी हां, सब अपने अपने जगह पर अच्छे हैं। आपको पता होगा कि सूर्य और चंद्रमा दोनों चमकते हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। नंबर पांचवा, अपने काम को टालना बंद करें। जी हां, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे साथियों, बता दें कि यह काम आप अपने जीवन में बहुत बार किए होंगे। कोई भी काम हो, आप यह मत सोचना कि इस काम को मैं बाद में करूंगा या फिर कल करूंगा, क्योंकि कल हमारे जीवन में कभी आता ही नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि कल करे सो आज, आज करे सो। अब पल में प्रलय होता है, बहुरी करोगे कब? अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन की सभी दुख खत्म करेंगे माता महालक्ष्मी जी और भोले बाबा जी। हां मेरे प्यारे मित्रों, माता रानी का बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। माता रानी महालक्ष्मी जी आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो चुके हैं, जिस कारण से अब आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर जो बड़ा बदलाव, जो ऐतिहासिक परिवर्तन आपकी जिंदगी में होने जा रही है, देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। जी हां, आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा परिवर्तन हमारे जीवन में कभी आएगा, ऐसा बदलाव हमारे जीवन में कभी होगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब 100% आपकी जिंदगी बदलेगी। जी हां, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर एक बहुत बड़ा उलटफेर आपकी जिंदगी में होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अब आपको अपने जीवन काल में ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि पिछले बार, पिछले समय अवधि में अपने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन वह गलती अब आपके जीवन में फिर दोबारा नहीं होना चाहिए। और अगर जानबूझकर गलती करोगे, इतना बताने के बावजूद आपसे गलती होगी, तो फिर आगे जो होगा उसका जिम्मेदार भी आप ही होंगे, कोई और नहीं। इसलिए मेरी हर एक बातों को कान लगाकर एकदम ध्यान से सुनना, जिंदगी बदल जाएगी। बधाई हो, अब होगा सोने पे सुहागा। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यह बड़ा चमत्कार तो होकर ही रहेगा। जी हां दोस्तों, इसलिए जितना जल्दी हो सके सबसे पहले वीडियो देख लो, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत लंबी छलांग लगाने वाली है, घोड़े और चीते को भी पीछे छोड़ेगी। आपकी किस्मत अभी 24 घंटे के अंदर ऐसा महासंयोग आपकी राशि में बन रहा है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि महाबली महाशक्तिशाली भगवान बजरंग बली और प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से आपकी किस्मत में 4 चांद लगने वाला है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बता दे कि अब आप हो जाइए तैयार, क्योंकि महाबली महाशक्तिशाली भगवान बजरंग बली जी के आशीर्वाद से आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर मिलने वाली है 5 बहुत बड़ी गुड न्यूज और 2 बड़ा सरप्राइज। जी हां दोस्तों, एक साथ 5 बड़ी गुड न्यूज और 2 बड़ा सरप्राइज सुनकर आपके पैर जमीन पर नहीं रहेगा। जी हां, बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर 7 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। वीर संकट मोचन महाबली जी के आशीर्वाद से अगले 24 से 33 घंटे के भीतर आपकी किस्मत संवर जाएगी, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, 100% सटीक भविष्यवाणी, 100% सत्य आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर यह 2 बड़े कार्य तो होकर ही रहेंगे। जी हां, अगले 24 घंटे के भीतर आपकी 5 बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं और 3 बड़े सपने सच होने वाले हैं। वीडियो बहुत ही खास है, संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। बता दें, आने वाले अगले 24 से 43 घंटे के भीतर आपकी राशि वालों के कुंडली में सौभाग्यवान योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, 2 राजयोग और 1 धन योग बन रहा है, जिसमें कि मेरे प्यारे मित्रों 5 बड़ी खुशखबरी और 2 बड़ा सरप्राइज आपको मिलेंगे, जिससे कि अगले 24 घंटे के भीतर आपको हिलाकर रख देंगे। जी हां, तो दोस्तों, किसी प्रकार से यह बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। कौन कौन से सपने सच होने वाले हैं, वही हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। बस थोड़ा सा समय दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए।
क्योंकि कार्य सिद्ध योग, भाग्यवान योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, दो राज योग और एक धन योग बनने से आपको पांच बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हाँ, इसीलिए हमने कहा है कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर सोने पर सुहागा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह बड़ी खुशखबरी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है, जो कि अगले 24 घंटे के अंदर आपको, अगर आप इस खुशखबरी को प्राप्त करना चाहते हैं तभी आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि ईश्वर ने आपको मौका दिया है, अपने जीवन को बदलने का बहुत बड़ा शुभ अवसर आपको मिला है, इसलिए इस शुभ अवसर को अपने हाथों से जाने मत देना दोस्तों। महाबली महाशक्तिशाली भगवान बजरंग बली जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। अब आपके पास मौके ही मौके होगी। कौन कौन सी खुशखबरी मिलेगी, कौन कौन से मौके ईश्वर आपको देने वाले हैं, यही कुल आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले महाबली महाशक्तिशाली भगवान बजरंग बली जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वे लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने इन प्यारे हाथों से जय महाबली संकट मोचन वीर हनुमान जी जरूर लिखें दोस्तों। संकट मोचन वीर हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन से सभी दुख दूर हो जाएंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, भगवान संकट मोचन वीर हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। जी हाँ, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यह जो पांच बड़े परिवर्तन आपकी जिंदगी में होने वाली है, इससे आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। एक प्रकार से यूं समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि अब आपकी जिंदगी नरक से स्वर्ग में जाने वाली है। अब आप धरती पर ही स्वर्ग का सुख प्राप्त करोगे। बस कुछ ही दिनों में दोस्तों, ईश्वर ऐसी खुशखबरी सबको नहीं देते हैं। ऐसी खुशखबरी तभी मिलता है जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं, जब ईश्वर का निराला खेल शुरू होता है, तभी ऐसी खुशखबरी इंसान को मिलता है। और आने वाले अगले 24 घंटे के समय अंतराल में आपके साथ जो होने वाला है, जो बड़ा बदलाव आपके जीवन में दिखाई देने वाला है, इसे देखकर आप स्वयं यकीन नहीं करोगे। जी हाँ, कुछ समय के लिए आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, इस प्रकार आपके लिए लाभकारी स्थितियां बन चुकी है। अगले 24 घंटे के अंदर आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान संकट मोचन वीर बजरंग बली जी आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है, उन परेशानियों का अब अंत करने वाले हैं। जी हां, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी राशि में कार्य सिद्ध योग बनने से आपको बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त होने वाली है। जी हां, आपके सभी कार्य, छोटे बड़े जितने भी कार्य हैं, सभी कार्य बनने वाले हैं और सभी कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली है। पुरानी पेंडिंग पड़े अधूरे कार्य अगर है तो आप उन कामों को कर सकते हैं जिससे कि आपको सफलता मिलेगी। नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं संकट मोचन वीर हनुमान जी का नाम लेकर। जी हाँ, और जिन कार्यों में आपको अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही थी, बहुत मेहनत करने के बावजूद आपका कार्य नहीं बन पा रहा था, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका वह कार्य जरूर बनेगा। दोस्तों बता दे कि कार्य सिद्ध योग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग और राजयोग और धन योग भी बना है, जिससे कि पूरी पूरी उम्मीद है सफलता मिलने की, क्योंकि समय ही अब आपके पक्ष में आ चुकी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कहते हैं ना, किस समय मेहरबान तो गधा भी पहलवान। जी हाँ, बता दे किस समय की चाल और ग्रहों का प्रभाव दोनों अभी आपके पक्ष में चल रही है और यह दोनों मिलकर आपके लिए शुभ फल प्रदान करेंगे, लेकिन आपको कुछ गलत लोगों से सावधान रहना होगा। जी हाँ, कहते हैं ना कि बुरे लोग यदि समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भगवान श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देता। ऊपर वाले की न्याय की चक्की जरा धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पिस्ते बहुत ही अच्छे से हैं। आप अपने जीवन में अहंकार घमंड कभी मत करना, क्योंकि जिनके अंदर यह सब उत्पन्न होने लगता है, ईश्वर उन्हें हीरो से जीरो बना देता है, यानी राजा से उन्हें मां भिखारी बना देता है। कहते हैं ना, अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश यकीन न आए, तो देख लो रावण कौरव और कंस। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कहें जी गुरु जी आप बिल्कुल सही बोले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की यह वीडियो बहुत ही महाभाग्यशाली वीडियो है, जो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सबसे पहले देखेगा उन्हीं को यह लाभ मिल पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा लाभ का अवसर आप लोगों का इंतजार कर रही है।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज की है वीडियो केवल नसीब वाला ही देख पाएगा कि किस प्रकार महाबली महाशक्तिशाली भगवान बजरंग बली जी अपनी कृपा आप लोगों के ऊपर बरसाने वाली है और आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट परेशानी है उन सभी से आपको छुटकारा दिलवाएंगे। इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें। देखिए दोस्तों, आगे आने वाले समय अवधि में भगवान बजरंग बली जी के आशीर्वाद से काफी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कुछ स्थितियों में आप इस प्रकार से काबू पाएंगे, जिस तरह शेर अपने पंजे में शिकार को दबोचता है, वैसे ही आप अपने जीवन के परिस्थितियों में विजय हासिल करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी समय और ग्रह गोचर दोनों का भरपूर साथ मिलता हुआ नजर आएगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप काफी लंबे समय से अपने जीवन काल में नकारात्मक कैस को झेल रहे हैं। कई तरह की संघर्ष और परिश्रम आपके जीवन में लगातार बनी हुई है। वही मेरे प्यारे मित्रों, हम आपको बता दें कि निश्चित रूप से आप अपने जीवन में अनेक तरह की स्थिति और समस्याओं से उलझे हुए हैं, जैसे कि परिस्थितियों घर परिवार के भी हैं, और ऐसे कुछ परिस्थितियों आपके कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं अनुकूल नहीं बनी हुई है, जिसके कारण आप अपने जीवन में दिक्कतें और परेशानी देख रहे हैं। लेकिन अब यह सभी परेशानियों और दिक्कतें आपके जीवन से दूर होने वाली है। आपको बेवजह चिंता करने से बचना होगा। फालतू की नकारात्मक सोच विचार और टेंशन अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अन्यथा आपकी टेंशन बढ़ सकती है। इससे ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकती है और इसका नकारात्मक असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसलिए गलत चीजों पर अपना ध्यान भटकने ना दें, इससे आपको लाभ कुछ भी नहीं होगा। जहां तक होगा हानि ही होगा, तो इन सभी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें और आगे बढ़े तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी आर्थिक स्थिति पिछले समय अवधि से इतना अनुकूल नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका कोई कार्य रुका हुआ है, लेकिन फिर भी मन चाहे सफलता और इनकम आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। आपकी मेहनत के अनुसार, आपकी उम्मीदों के अनुसार आपको फल नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आपके जीवन में एक चुनौतीपूर्ण माहौल बना हुआ है और आप लगातार यूं कह सकते हैं कि एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि आपके लिए समय पूर्ण रूप से परिवर्तन का समय है, और जैसा कि हमने कहा कि आप स्थितियों पर बेहतर काबू पाते हुए नजर आएंगे और कई स्थितियों को आप बड़ी अच्छी तरीके से सुधार पाएंगे, क्योंकि अब सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। घर परिवार में सुख शांति का माहौल बनाए रखें, क्योंकि इस समय अवधि में आपकी खुशियों पर किसी की नजर लग सकती है। दोस्तों, जैसा कि आपने अपने जीवन में देखा होगा कि अच्छे परिवार पर किसी न किसी की नजर लग जाती है। कुछ लोग नजरें बनाए रखते हैं कि आखिर उनके जीवन में बुरा क्यों नहीं होता है, यह लोग इतना खुश कैसे हैं, आखिर यह लोग अपने जीवन में क्या करते हैं जो इतना खुश रह लेते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि लोगों की नजर से बचकर अपने प्यार को या अपने पार्टनर को समझना है और उनके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलना है। इससे आप अपनी वैवाहिक जीवन में काफी खुश रह सकते हैं और अच्छी तरीके से जी सकते हैं। आज शारीरिक मानसिक तौर पर मजबूती प्राप्त करने के लिए दिन की शुरुआत योग से करें। अगर आप कहीं पैसे निवेश कर रखे हैं तो उसका लाभ मिलेगा, लेकिन आप अपने बर्ताव को सकारात्मक रखें। कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी गुड न्यूज जीवन, सारी या फिर संतान के माध्यम से मिल सकता है, जिससे आपकी खुशियां बढ़कर दुगनी हो जाएगी। जी हां, आज का दिन फायदेमंद है, लेकिन थोड़ा सा खर्चे के योग बन रहे हैं। धन को संभाल कर खर्च करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा, पुराने गिले शिकवे सभी दूर होंगे और धन की स्थिति में सुधार होगा। धन आने के योग बन रहा है। बिजनेस में, व्यापार में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। रुका हुआ, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। समाज में मान सम्मान पड़ेगी। आपके मान सम्मान में, मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में किस्मत आजमा रहे हैं तो ठीक है, धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी अपने पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपकी कड़ी मेहनत रंग लाने वाली है। आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छा है। आप अपना कुछ नया शुरू कर सकते हैं, काफी समय लेने वाला अपना कोई अधूरा काम पूरा कर सकते हैं, या कोई ऐसा काम जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं को भी शुरू कर सकते हैं।
आज शाम खेल और मौज मस्ती के नाम रहेगी। अपने नए पुराने दोस्तों के साथ समय बिताएं और मजे करें। खरीदारी में विशेष आनंद आएगा। आज आप जरूर किसी अभ्यास कक्षा या नियमित व्यायाम में भाग लेंगे। अगर आप पिछले कुछ दिनों से अपने स्टैमिना में सुधार करने या वजन कम करने के बारे में सोच रहे हैं तो शुरुआत के लिए आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता। आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी संकल्प को बनाए रखने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। आप पहले से भी अधिक सख्त कार्यक्रम अपने लिए चुन सकते हैं। आपका पार्टनर कुछ अजीब सा व्यवहार करते हुए अजीब सी मांगे रखेगा, जिसके पीछे उसके तर्क भी अजीब होंगे। यह समय एक्सपेरिमेंट और कुछ रोमांचक कामों के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि जहां तक आपके संबंध का सवाल है, आप हमेशा एक गंभीर आदमी रहे हैं। आपको अपनी अति गंभीर प्रवृत्ति को छोड़ डटकर अपने अंदर के बच्चे को मजे लेने की छूट देनी होगी। इससे आपका तनाव भी काफी हद तक कम हो जाएगा। आज के दिन आप अपने आप को प्रौद्योगिकी में पिछड़ा हुआ सा महसूस करेंगे। आपको अपने सहकर्मियों से आगे निकलने के लिए कुछ नई प्रौद्योगिकी एवं कौशल सीखना होगा। आज आप एक योजनाकार और आत्मा मंथन मुद्रा में रहेंगे। अपने वरिष्ठ सहकर्मियों से मदद लें। आज का दिन संकेत दे रहा है कि आज आप खूब आनंद उठाएंगे, लेकिन बेहतर यही होगा कि सुबह कुछ समय निकालकर अपने कल के शेष कार्यों को पूरा कर लें। अपने कार्यक्रम की योजना अपने परिजनों के कार्यक्रम के अनुसार ही बनाएं, ताकि बाद में कोई गलत फहमी या समस्या न आए। यह समय कुछ जबरदस्त शारीरिक मेहनत वाली गतिविधि करने का है। वजन उठाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप किसी एथलीट कार्यक्रम या ट्रेनिंग कार्यक्रम के बारे में शामिल होने के बारे में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो निश्चिंत होकर शामिल हो जाइए। आपको अच्छे स्वास्थ्य और ऊर्जा की अनुभूति होगी। एक्सरसाइज से आपको खुद की भावनाओं को भी अच्छे से समझने में मदद मिलेगी और इससे आप अपने जीवन में किसी संबंध या करियर के बारे में स्पष्ट सोचकर महत्वपूर्ण फैसला ले पाएंगे। अपने पार्टनर की ओर से कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी या आज आपको उससे कोई बहुत अच्छा उपहार मिल सकता है। अगर आप अकेले हैं तो यह उस खास आदमी को ढूंढने के लिए सबसे अच्छा समय है जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अपने दिमाग को खुला रखेंगे तो आप पाएंगे कि प्यार ऐसी जगह भी पनप सकता है जहां आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। आपके कार्यस्थल पर कोई अपने घमंड में अपनी उपलब्धियों को गिना सकता है, परंतु आप बुरा न माने क्योंकि वह आपको बुरा महसूस कराना चाहता है। आपने इस अनुपात में पहले ही इन उपलब्धियों को छुआ है। वित्तीय मोर्चे पर आपको पहले ही आपकी जरूरत या उससे ज्यादा ही मिला है, जिसे आप संजो के रख सकते हैं। आज का दिन अलग अलग तरह के विचारों और दुनिया भर के नए पैदा हो रहे अवसरों के चलते थोड़ा सा उलझाने वाला रहेगा। विभिन्न शक्तियां आपको अपनी तरफ खींचेंगी। अधिक सोचने और हर किसी को खुश करने की कोशिश न करें। इसके स्थान पर अपने मन की ही सुने आपके लिए सर्वोत्तम होगा, भले ही आपको इस समय यह सही ना लग रहा हो। ऑफिस में बढ़ते तनाव से आप काफी परेशान हैं और यह परेशानी आज आपके शरीर में दर्द और खिंचाव तथा बेचैनी के रूप में प्रकट होगी। ऑफिस के इस दबाव को कम करने के लिए आपको खुद को अधिक व्यवस्थित करना होगा। दूसरे, जंक फूड खाने से समस्या कम नहीं हो जाएगी। फिलहाल आराम के लिए ध्यान करें या मसाज की अपॉइंटमेंट लें। आज माहौल में ही रोमांस बिखरा हुआ है। आप बहुत सारे मनोरंजक और मजेदार आदमियों के संपर्क में आएंगे और इनमें से किसी एक के साथ मुलाकात सार्थक साबित हो सकती है। जिनका संबंध पहले से बना हुआ है, वे अपने पुराने संबंध में अंतरंग डिनर या पिकनिक पर जाकर एक नई जान फूंक पाएंगे। आपका पार्टनर पिछले कई दिनों से कुछ खिंचासा है, लेकिन आज स्थिति में सुधार होगा। प्रमुख परिवर्तन आज आपके कार्यस्थल पर होने की उम्मीद है। वास्तव में आपके आय अर्जित करने के साधन में परिवर्तन आ सकता है और आप ऐसे कार्य में लिप्त हो सकते हैं जिसको आप करना चाह रहे थे, परंतु आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा अवसर आपको मिल सकता है। आप अपने कार्यस्थल पर नवीन विचारों एवं नए दृष्टिकोण के साथ आ सकते हैं, जिससे सत्ता में बैठे अधिकारी का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा। आपकी प्रकृति उत्सुक और अदमनीय है और आप किसी भी प्रकार का नियंत्रण पसंद न करते।
आपको ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। इसके स्थान पर खुशी और प्यार दें और आपको भी बदले में खूब खुशी और प्यार मिलेगा। अपनी काम की मारामारी वाली जिंदगी में अपने सहकर्मियों के साथ किसी छोटी सी यात्रा पर जाकर रंग भर सकते हैं। दिन की शुरुआत साधारण होगी, लेकिन आप कई दिनों से नियम पूर्वक जो योग कर रहे हैं उसका असर स्पष्ट दिखाई देगा। दिन के आखिर तक आप खुद की आध्यात्मिक मानसिक परत से जुड़ा सकते हैं। बहुत ज्यादा दवाइयां न खाएं, इससे आपका लीवर प्रभावित हो सकता है। ये समय अपने रिश्ते में सकारात्मक प्रकृति के बदलाव की योजना के लिए सही है। आप इसे अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहल आपको करनी होगी। आप स्वाभाविक रूप से मितभाषी और शर्मीले हैं और इसी कारण आपका साथी आपकी सच्ची भावना को समझ नहीं पा रहा और अधर में है। बस अपनी दिल की बात सुने और सारा अविश्वास आपके रिश्तों से गायब हो जाएगा। आप इस समय परिस्थितियों के गहन अर्थ को समझने की कोशिश में रहेंगे। आप हाल ही में अपने पूरे किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगे और अपने काम को और बेहतर बनाने के तरीके पर गौर करेंगे। आप आजकल पहले से भी अधिक आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। आपको ऐसे आदमी भी संपर्क करेंगे जिन लोगों से आपको उम्मीद भी नहीं थी। इससे आपको काफी आश्चर्य होगा, लेकिन उनके बारे में समय लेकर सोचें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा। समय के साथ साथ खुद ही उनका फैसला हो जाएगा। पिछले समय के कड़वे अनुभवों के कारण खुद को बांधे न रखें, खुलकर जिएं। आप यह पता लगाने की कोशिश करें कि कौन सी वस्तु या चीज से आप अपने आप से सर्वश्रेष्ठ कार्य ले सकते हैं। यह आपकी विचारधाराओं और रचनात्मकता को भी अद्वितीय अनुभूति देगा। हालांकि आपके वित्तीय पुरस्कार में विलंब होगा, फिर भी अपने वित्तीय संकट से खुद को बचाने के लिए आपके पास पर्याप्त आय है। बस आप अपनी वस्तु को संरक्षित करके रखें और आप आसानी से विषम स्थिति से बाहर आ जाएंगे। आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बिल्कुल सही है। आज आप सामान्य से अधिक आक्रामक और दृढ़ व्यवहार करेंगे। इससे आसपास के लोगों को आश्चर्य होगा। उन्हें शायद आपके बारे में अपनी राय बदलने पर भी मजबूर होना पड़ दिए, लेकिन उनके आश्चर्य की भावना से आपको आज जरूरी मौका मिल जाएगा। स्विंगल अवसर का फायदा उठाने से न चुकीन आप काफी समय से वजन कम करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपकी सब नीक इच्छाएं शुनी हो जाती हैं, क्योंकि आप बहुत सारी स्वादिष्ट चीजों के लालच में आ जाते हैं। आज वजन कम करने के लिए अपनी डाइट की योजना बनाने और व्यायाम का संकल्प लेने का अच्छा समय है। आप इस काम के लिए विशेषज्ञों की सलाह भी लेने वाले हैं और इस काम में आपका काफी पैसा भी खर्च होगा। फ्लर्ट करने में आपको महारत हासिल है और ये आप आज मिलने वाले हर आदमी के साथ कर सकते हो, लेकिन इसे अधिक न होने दें और खुद को केवल इसकी शारीरिक स्तर तक ही सीमित रखें। भावनात्मक रूप से किसी के साथ न जुड़ें। आपको भी कोई अधिक गंभीरता से नहीं लेगा और आप भी किसी को जरूरत से ज्यादा डिमांड करने की छूट न दें तो अच्छा रहेगा। आज आप अपने सहयोगियों और ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाएंगे। आज कुछ ऐसा नया करने के लिए ये दिन अच्छा है जिसमें आपके प्रभावशाली कौशल की आवश्यकता हो। हालांकि जो लोग बीमार हैं वो लोग घर से काम शुरू कर सकते हैं। इससे अप्रत्याशित रूप से आपके काम की गुणवत्ता में सुधार होगा और उस समय की बचत भी होगी जो यात्रा में बर्बाद हो रहा था। आप प्रेरणा से भरे हैं और काफी अच्छी स्थिति में भी हैं। आपका दिमाग सक्रिय है और इसमें नए नए विहार और नीतियां आती रहती हैं। आज का दिन आपके लिए सफलता से भरा रहेगा। हालांकि अगर सब में आपने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया तो यह सब उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। आज आप अपनी वर्तमान जीवन शैली के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूक होंगे और इसमें सुधार के लिए कोई कार्यक्रम बनाएंगे। कुछ कारणों से आपको किसी स्वास्थ्य संबंधी जांचें करानी होंगी और इससे आप संभावित खतरे के प्रति सावधान हो जाएंगे। आप पहले भी कई बार इससे बेहतर जीवन शैली अपनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इस बार आपको यह करना थोड़ा आसान रहेगा। आपको अपने पार्टनर को बिना कोई शर्त प्यार और समर्थन देना होगा। आपको कुछ ऐसी चीज के बारे में पता चल सकता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन आपको अपनी प्राथमिकताएं ध्यान में रखते हुए पार्टनर के साथ सहानुभूति से पेश आना होगा।
आप पाएंगे कि इससे आपका रिश्ता मजबूत हुआ है। अपने पार्टनर को जांचने में कठोर न बने, बल्कि आपके रिश्ते में इस तूफानी समय से निकलने के लिए आपको समझदारी से काम लेना होगा, जिसमें उनकी बात प्यार से सुनना भी शामिल है। आज आपको विभिन्न भूमिकाओं का क्रियान्वयन करना पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों से मदद लेने में संकोच न करें। वे सफलता के रास्ते पर आपको एक मजबूत समर्थन दे सकते हैं। छात्रों के लिए ये एक अच्छा दिन हो सकता है और उन्हें एक प्रतिष्ठित संस्थान से डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त हो सकती है। इन स्थितियों की वजह से उच्च भुगतान नौकरियों में अवसर बढ़ेंगे। आज अपमनी दार्शनिकताओं तथा विचारों को किसी के साथ बांट लेने का मौका देखें। आपकी मुलाकात एक बेहतरीन व्यक्ति से हो सकती है, इससे एक खूबसूरत दोस्ती या अच्छी साझेदारी भी जन्म ले सकती है। थोड़े से ध्यान से देखने से आप अपने आसपास से बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे और यह ज्ञान आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिल पाएंगे जिसके विचार आपसे मिलते हों। आज का दिन आपके स्वास्थ्य और फिटनेस कार्यक्रम में बदलाव के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आप आज नई शारीरिक एक्सरसाइज और दूसरे कार्यकलाप शुरू कर सकते हैं। आज आप में अपने स्वास्थ्य की विशेष देखभाल का जोश देखने को मिलेगा। हालांकि आपको यह भी समझना चाहिए कि आपका मानसिक स्वास्थ्य काफी हद तक शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा है, और एक में दिक्कत होने पर दूसरा ठीक नहीं रह सकता। सावधान रहें, क्योंकि धोखाधड़ी और प्रवंचना तेजी से आपकी तरफ भद्दी एच रही है। हालांकि यह बिना किसी खास उद्देश्य के और बहुत लघु है, परंतु फिर भी ये आपको चोट पहुंचा सकती है। आज आप देने की प्रक्रिया में रहेंगे। आज का दिन थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में ये आपके प्यार को मजबूती प्रदान करेगा। भविष्य में आपको अपने प्यार पर खुशी मिलेगी, पर अभी बहुत ज्यादा व्यक्त करने से बचें। अगर आप इसे बारे में सतर्क और जागरूक रहे कि दूसरे क्या कर रहे हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत काम में बेहतर तरीके से सुधार कर सकते हैं। उनकी चिंताओं को समझने की कोशिश करें और एक तारतम्य स्थापित करें कि आप क्या चाहते हैं और उन्हें क्या चाहिए। आपकी सोच हुए सभी कम समय पर पूरे होंगे। मेहनत से कार्य करें, क्योंकि आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।